what are some other hindrances towards the development of teachers as counselors humne time factor ko dekha aur humne classroom size ko dekha which may emerge as a big hindrance iske sath sath jo cheez bahut ahem hai jis par discussion bahut ahem hai wo lack of awareness hai counseling ke bare mein general impression kya hai Teachers का इसके बारे में क्या ख्याल है बाकी stakeholders होल्डर्स का इसके बारे में क्या ख्याल है इस पर भी बहस करनी ज़रूरी है आमतौर पर यह देखा गया है कि देर आर मेनी मिसकनसैप्शन दैट आर अटैचड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग हमारा बाज़ा ख्याल ये होता है कि काउंसलिंग टीचर्स को करनी चाहिए बाज़ दफ़ा यह ख्याल होता है कि काउंसलिंग जो है एक स्पेशलाइज फील्ड है इसको स्पेशल साइकोलॉजिस्ट को करना चाहिए और बाद हमारा ये भी ख्याल होता है कि काउंसलिंग जो है बहरहाल स्कूल में नहीं होनी चाहिए तो ये कुछ वेरियस इश्यूज़ हैं वेरियस ऑप्शन हैं जो अवेलेबल होती हैं एंड सम टीचर्स पिक एंड चूज सो देर आर मैनी मिसकनसैप्शन दैट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल्स टीचर्स को बुनियादी बात तो ये है कि पहले ये कंसिडर करना चाहिए कि उनका रोल क्या है वट इज देयर रोल इन द स्कूल इन द क्लास रूम एज ए टीचर सबसे पहले बात तो यह है कि एक मिसकनसेप्शन जिसके साथ हम चलते हैं वो ये कि जो काउंसलिंग उन लोगों के लिए की जाती है जिनको सवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं इस पर बहस बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अूज मिसकनसैप्शन हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग तो छोटे से छोटे मसले पर भी की जाती है हम घर पर जब अपने बच्चों के साथ बात करते हैं और किसी छोटे से मसले पर बात करते हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं तो वो कोई बड़ा साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं होता बच्चे को ये समझाना कि झूठ बोलना बुरी बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताना ये एक आम सी बात है ये कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू नहीं है और बहर हाल हम फिर भी स्टूडेंट्स को बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं तो टीचर्स ये काम क्यों नहीं कर सकते तो इस ये ये नज़रिया रखना कि जो काउंसलिंग है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील करता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में इसका नफाज होता है ये सब चीज़ें जो हैं ये इनको थोड़ा सा इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए टीचर्स जो हैं बाज़ोकात दे डू नॉट गिव प्रॉपर काउंसलिंग सर्विसेज बिकॉज दे थिंक दैट इट इज़ नॉट देयर जॉब टू डू सो आमतौर पर हमें यह ख्याल करना चाहिए कि जब क्लासरूम के अंदर बच्चे मौजूद हैं तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल इशूज़ भी होंगे सोशल इशूज़ भी होंगे और इसके साथ साथ उनकी सवेरिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी तो वहां पर टीचर जो है उसको प्रॉपरली ट्रेंड और प्रॉपरली उसको तैयार होना चाहिए इन तमाम मसाइल का सामना करने के लिए टीचर्स जो हैं बाजात दे शाई अवे फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स कि काउंसलिंग को वो ये समझते हैं कि सोशल प्रॉब्लम और इसके साथ साथ ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब क्लासरूम के अंदर तलबिल मौजूद हैं वो आपकी जिम्मेदारी है उनके तदरीसी मसाइल उनके सोशल इशूज़ साइकोलॉजिकल इशूज़ इन सब को हल करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी बनता है अब आप बहसीत उस्ताद के किस हद तक तैयार हैं ये सब कुछ हैंडल करने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बाजात टीचर्स जो हैं दे आर फुली ट्रेन टू डू सो लेकिन वो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज के ऊपर स्टूडेंट से बात बात करते हुए कतराते हैं क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है हम जब स्कूल के अंदर बच्चे आ जाते हैं तलब इम आ जाते हैं तो वो अपने साथ साथ मसाइल भी लेकर आते हैं बिकॉज़ दे आर कमिंग फ्राम द आउटसाइड सोसाइटी एंड आउटसाइड सोसाइटी इज़ रिप्लीट विद ईशूज़ इज़ रिप्लीट विद प्रॉब्लम्स तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोबारा बाहर जाकर तो हल नहीं होंगे क्योंकि वो मसाइल जो हैं वो तदरीसी जो अमल है वो उन पर हावी हो जाते हैं एंड दैन द स्टूडेंट इज़ समाइम्स अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्डेमिकूज़ तो अगर हम जहनी तौर पर तैयार हैं प्रोफेसनली तैयार हैं इन को हल करने के लिए तो इनका हल क्यों ना तलाश किया जाए तो हमें सबसे पहले तो अपने अंदर ये अवेयरनेस लानी ज़रूरी है हमें अपनी अंदर ये अवेयरनेस हमें देनी ज़रूरी है कि क्या टीचर्स जो हैं वो सही तौर पर तैयार हैं काउंसलिंग सर्विसेज देने के लिए कि नहीं टीचर्स जो हैं क्या वो काउंसलर्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते इन चीज़ों पर बहस स्कूल में होनी चाहिए और ये ज़रूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हों वी शुड बी ऑन वन प्लेटफॉर्म वेन इट कम्स टू सॉल्विंग ईशूज़ फॉर एग्जाम्पल टीचर्स काउंसलर्स नहीं बन सकते ये बात गलत है टीचर्स आर Counselors in their own right, when they counsel students, when they advise students, then they are actually providing counseling services. You may give it another name. When you are providing academic advice, when you are providing a social advice, you are counseling them. So you are definitely counselors. Or if me, if you broaden your role. एक उस्ताद अगर अपने रोल को ब्रॉडन कर ले और वो ये डिटर्मिन करे कि मेरा काम जो है वो पढ़ाना तो है ही इसके साथ साथ मुझे प्रॉपर एडवाइस देना भी स्टूडेंट्स को मेरा काम है तो वहां पर मसला हल होता है सो टीचर्स नीड टू थिंक इन अ वेरी इन अ वेरी ब्रॉड फ्रेमवर्क दे नीड टू ब्रॉडन देयर होराइजन व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन एबिलिटीज इन द क्लासरूम सो टीचर्स कैन डेफिनेटली इमर्ज एज काउंसलर्स

इसमें सबसे पहले तो यू नीड टू बी अ कीन ऑब्जर्वेंट टीचर्स नीड टू बी कीन ऑब्जर्वेंट्स दे नीड टू नो देर स्टूडेंट्स वेरी वेल और इसमें एक बुनियादी बात यह है कि आपको अपनी क्लास के तलब इलमों के नाम आने चाहिए दैट बिल्डस अ केयरिंग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स जब हम एम्पथेटिक लर्निंग की बात करते हैं हम जब प्रोसोशल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें एक बुनियादी बात यह है कि आपको अपने तलब इमों के नाम आने चाहिए क्योंकि जब आपको नाम नहीं आते देन यू स्टे अवे फ्राम योर स्टूडेंट्स बट वैन यू टेक द नेम्स ऑफ योर स्टूडेंट्स इट दैट यू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन दैन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ्स

नाम लेना आसान हो जाता है और फिर वक्त के साथ साथ टीचर्स जो हैं वो नाम याद भी कर लेते हैं तो इन ऑर्डर टू बिल्ड केयरिंग कनेक्शन विद द स्टूडेंट्स इट इज़ इम्पॉटेंट टू नो द नेम्स ऑफ योर स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द इंटरेस्ट एंड परस्पेक्टिव ऑफ़ स्टूडेंट्स ये भी एक ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और प्रस्पेक्टिव उनके ख्याल का आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब स्टूडेंट्स किसी भी किस्म का रवैया अपनाता है

जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एकेडमिक नेचर की भी होती हैं बेहवोरियल नेचर की भी होती हैं अगर टीचर जो है वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि वो एज काउंसलर भी क्लासरूम में काम कर रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट का कोई भी रवैया जो है दैट अगेन शोज़ द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दैट दे हैव अ स्टूडेंट हु इज़ वेरी हुग्रेसिव बट एकेडमिकली वाइज देन The problem does not lie in working on the academic side. The problem lies you know, with working on the behavioral side. So once you know his strengths and weaknesses, then you can determine and make a plan for the behavioral development of the child. Tuvapur, strengths and weaknesses Kajana, interests and perspectives Kajana, Buritaai. It is also important to pay attention to shy and quieter students. बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो शाए होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ात साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो जाते हैं तो इस आप के लिए जानना ज़रूरी है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो शाए हैं कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत एक्टिव लिसनर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं डोमिनेंट स्पीकर्स हैं ताकि आप उनको वहाँ पर हैंडल कर सकें इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो शाए स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी छुपी सलाहियतें होती हैं जो स्टूडेंट्स शाए होते हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते वो स्टूडेंट्स जो हैं आम तौर के ऊपर और सलाहियतों के मालिक होते हैं तो वो हिडन पोटेंशियल्स क्या हैं यू कैन ओनली डिटर्मिन दो हिडन पोटेंशियल्स वंस यू नो योर स्टूडेंट्स वेल सो वन ऑफ द क्वालिटीज़ दैट यू नीड टू हैव एज अ टीचर As a counselor, is that you need to be a keen observant of your students. You need to be a keen observant of your school surroundings. You need to know your school culture very well. So all of this will determine the kind of counseling services that you can offer to the students. And once you become a counselor, once you, once you try, you know, acting as a counselor, then you will give due regard to the fact that students work out. Their issues according to their strengths and weaknesses, and we need to know those strengths and weaknesses so that appropriate behaviors can be encouraged in the classroom. Essential qualities of teachers as counselors. What are some other essential qualities that we can focus on and work on if we want to emerge as better counselors in the classroom? One of the things that you can focus on is being sensitive. सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में तफसीली बात हो चुकी है और हम ये डिटर्मिन कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स में भी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको उजागर करना उन पर काम करना इम्पॉटेंट है इसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि टीचर्स में भी वो तमाम खसूसियात होनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि तलब इलमों में हों उनमें एक एस्पेक्ट जो है वो बींग सेंसिटिव का है अगर आप एक सेंसिटिव हसास टीचर हैं तो आप यह पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने तलब इलमों की तमाम जरूरियात को पूरा करें यू नीड टू नो द नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स वेरी वेल यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ रिगार्ड टू देयर फीलिंग्स इस बात पर तफसली तफसीली बहस हो चुकी है कि स्टूडेंट्स की जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स डिवेल्प सेल्फ एफिकेसी दे हैव अ अर्टन लेवल ऑफ सेल्फ इस्टीम इन दैम सेल्फ्स एंड दैट मस्ट नॉट बी इंजर्ड जब क्लासरूम में बहुत ज़्यादा डांट डपट होती है तो हमारा यह ख्याल होता है कि डांट डपट करने से हम स्टूडेंट्स को बेहतरी की तरफ़ ला सकते हैं किसी हद तक ये बात अगर दुरुस्त भी मान ली जाए तो डांट डपट करने से स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि उनके बाकी साथियों के सामने उनकी बेज़ती हुई है और वहाँ पर उनका जो स्ट्रेस लेवल ना सिर्फ हाई होता है बल्कि वो बेहतरी की तरफ आने से फिर गुरेज करते हैं क्योंकि वो डिप्रेसिंग मोड में भी जा सकते हैं और वहाँ पर बेहतर तब्दीली का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की नीड्स का ख़्याल करें जब क्लासरूम में तालब बैठे हैं पच्चीस से तीस जब हैं तो उन सब की मुख्तफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं They come with different academic needs, they come with different social needs, and they have different psychological needs also. So, how do we tackle them? As counselors, we need to know what the needs are. We need to know how many students are extremely sensitive towards certain issues, how many students are confident and they can deal and they can maintain certain stress levels. हर स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल मुख्तलिफ होता है बाद स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर इम्तहाना के नज़दीक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनको इम्तहान से डर भी लगता है ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं तो अगर आप उन स्टूडेंट्स के बारे में सही आगाही रखते हैं आप उन स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करते हैं सो इफ़ यू आर सेंसिटिव टू दैम यू विल वर्क ऑन दो स्टूडेंट्स एंड यू विल ट्राई टू गेट दम आउट ऑफ दैट फोबिया बहुत से ऐसे तालबिल सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से बेहतर इम्तहान नहीं दे सकते उनको आता सब कुछ होता है लेकिन इम्तहान के स्ट्रेस में आकर वो सही तौर पर अपनी पोटेंशियल को अपने स्किल को यूज़ नहीं कर सकते और उनके कम नंबर आते हैं सो दैट दैट एग्ज़ैम में नॉट बी अ ट्रूटर्मिनेट ऑफ अट्टूडेंट्स एबिलिटीज़ However, if इफ़ यू वर्क ऑन दैट स्टूडेंट इफ़ यू to टू बी सेंसिटिव that वर्ड्स दैट may यू मे ब्रिंग दैट स्टूडेंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्रेस सिस्टम इसके लिए स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की कम्युनिटी नीड्स को भी पहचानना ज़रूरी है कम्युनिटी नीड्स का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स ये ख्याल रखें कि स्टूडेंट्स कहाँ से आए हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है एक क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पर वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग कर रहे होते हैं बाज़ात वो डिफ़रेंट रिलीज़स ग्रुप्स को बिलोंग कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ उनके लर्निंग स्टाइल्स भी मुख्तलिफ होते हैं उनकी लर्निंग नीड्स डिफरेंट होती हैं तो आप कौन से पेडागोजिकल टूल्स को सामने रखते हैं कौन से पेडागोजिकल टूल्स का मुजाहरा करते हैं जिनको बरूए लाते हुए आप इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं इनको आप तभी एड्रेस कर सकते हैं जब आप फुली ट्रेंड हों आप पेडागोजी में ट्रेंड हों आप सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स में ट्रेंड हों और आप सेंसिटिवली बिहेव करें टुवर्ड्स स्टूडेंट्स And that is a basic demand of being a counselor. You need to be sensitive towards all possible needs and interests of the students. And one must give regard to the fact that students come from different cultural backgrounds, they come from different communities, they have different learning styles, different learning needs, interests, perspectives, and we need to give proper regard to them. We cannot disassociate ourselves from our students and one way that we can associate ourselves better with students is by being sensitive to them by being available to them all the time so that we can address their needs we can look after them then we can qualify to be called teachers and counselors so if we want to be called counselors as well then we need to give particular regard to the issue of sensitivity let us continue our discussion on the qualities of teachers as counselors we have seen that sensitivity is one chief quality of being a counselor associated with sensitivity is the issue of being empathetic we need to be empathetic towards our students we have discussed this issue in detail before also however we need to, to be very very effective in towards these sensitivity डिवेलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम द सोशल एंड इमोशनल डेवेलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जब क्लास रूम में मौजूद होते हैं तो उनका सेंजिटिविटी लेवल मुख्तलिफ होता है और वो मुख्तलिफ़ फीलिंगस रखते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलफ़ होती हैं बहसीयत उस्ताद के क्या हम जानते हैं कि हमारे तालब इम जो हैं उनके एहसास उनकी ख्वाहिशात क्या हैं बाद स्टूडेंट्स जो हैं दे कम फ्राम फैमिली बैकग्राउंडस विच आर डिप्राइव्ड वो बच्चे जो हैं वो बहुत हसास होते हैं और उन बच्चों को बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है तो क्या बहसीत उस्ताद के आप वो तवज्जो उस बच्चे को उस तालब इल को दे सकते हैं या नहीं सो वैन इट कम्स टू दी एस्पेक्ट ऑफ फीलिंग दैन फीलिंग्स जो हैं उनकी अगेन जो हैं वो बहुत रेंज होती है सो यू नीड टू कम एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड यू नीड टू डिस्प्ले डिसप्लेटिक एम्पथेटिक एलिमेंट्स एम्बेडेड इन बींग अ टीचर उसमें सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपने स्टूडेंट को अपने तलब इम को अच्छी तरह से पहचानें और इसके साथ साथ आप ये देखें कि उसके ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनका हल जो है वो केयरिंग कनेक्शंस के ज़रिए जो है वो हल हो सकता है बिल्डिंग केयरिंग कनेक्शन विद द स्टूडेंट्स इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हम जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं सो वी नीड टू टेक ऑल परस्पेक्टिव बिफोर आस वी नीड टू टेक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स आते हैं विच मीन्स वट आर दी एकेडेमिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हम जब एकेडेमिक नीड्स की बात करते हैं तो उसके साथ साथ इमोशनल नीड्स हैं वट आर दी इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इसके साथ साथ वट आर दिचुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्परिचुअल नीड्स के अलावा वट आर द फिजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स तो जब हम नीड्स की बात करते हैं तो उसको होलिस्टिकली लेना ज़रूरी है हम जब होलिस्टिक की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नीड्स को देखना समझना परखना ज़रूरी है तो जब भी हम स्टूडेंट नीड्स की बात करते हैं तो हमेशा उसको होलिस्टिकली लें जब आप एम्पथेटिक डिवेलपमेंट की बात करते हैं एम्पेथेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर होलिस्टिकली चीज़ों का लेना बहुत ज़रूरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट से ये मुराद है कि जब आप किसी तलब इल का अनैलिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर अनिलिस जो है वो तीन चार चीज़ें जो हैं वो जहन में रख कर किया जाता है सबसे पहले क्या उसकी जो एक्डेमिक नीड्स हैं आर दे बिंग मेट वट आर दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ द एकेडेमिक डिवेलपमेंट What are the strengths and weaknesses in terms of emotional development? What are the sensitivities of this particular child? ये बच्चा जो है अगर low confidence इसमें है तो उसकी वजह क्या है और इसके साथ साथ फिज़िकल नीड्स जो हैं इनको भी determine तभी बेहतर तौर पर किया जाता है जहाँ पर टीचर जो है वो एम्पथेटिक हो बा अकातब इम जो हैं उनको कोई फिज़िकल इशू होता है और टीचर्स को मालूम नहीं होता मिसाल के तौर पर किसी तालब इलम की नजर कमजोर है और टीचर जो है वो उसने उसको पीछे बिठाया हुआ है टीचर स्टूडेंट जो है सही तरह से ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता एंड टीचर इज नॉट सेंसिटिव टू दैट टू दैट नीड तो वहाँ पर फिजिकल नीड्स के बारे में आगाही होना भी टीचर्स की जिम्मेदारी है इसके अलावा वी नीड टू बी ऑब्जेक्टिव हम जब ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे रवैये में किसी भी किस्म का प्रेजडिस ना हो बाइसनेस ना आए हम ऑब्जेक्टिवली इश्यूज के साथ डील करें एंड दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ टीचर और वहाँ पर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी किस्म की एजुटेशन में ना पढ़ें और चीज़ों को एक बैलेंस्ड फॉर्म में देखें एंड दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड हम जब इस रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बैलेंस्ड रवैये का होना ज़रूरी है एंड दिस बैलेंस कैन ओनली कम वंस वी एम्पथेटिकली वी डील विद इश्यूज हम जब एम्पथेटिकली डील नहीं करते तो वहाँ पर बाजा रवैयों में प्रेजडिस आ जाता है हम जो है वो फेयरनेस का एलिमेंट खो देते हैं वहाँ पर हम बाज़त फेवरेटिज़म करने लग जाते हैं ख़ास तालब इलमों को ख़ास फेवर्स देना शुरू कर देते हैं so this is something which should not be done at all in the classroom a teacher has to emerge as an unbiased figure as somebody who becomes emotionally involved with students so that issues can be resolved and at the same time he or she needs to build caring connections with the students so that issues are known and issues are dealt with and problems are solved what are some other essential qualities of teachers as counselors One of the things that we need to focus on is to build high expectations. हमारी क्लास में मुख्तलिफ किस्म के तलब इन बैठे होते हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं अपने नीड्स एंड इंटरेस्ट्स होते हैं अगर हम स्टूडेंट्स की के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करेंगे तो स्टूडेंट्स को हम एक चैलेंज दे रहे हैं और जब हम स्टूडेंट्स को चॉइसेस देते हैं ऑल्टरनेटि ऑफर करते हैं हर किस्म के अल्टरनेटिव में किसी ना किस्म का चैलेंज होना ज़रूरी है और उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास सीढ़ी को चढ़ना ज़रूरी है जिसमें वो अपने लेवल्स को डिटरमिन करें स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो आज जो है वो यहाँ पर खड़े हैं तो कल उन्हें यहाँ पर आना है दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटर्मिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं अगर उनको टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे तो वो टारगेट्स को मीट करना उनके लिए बाजुकात मुमकिन नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स जब स्टेटस को में बिलीव करते हैं रूटीन एक्टिविटी में बिलीव करते हैं तो वहाँ वो बाजुकात आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते तो स्टूडेंट्स को चैलेंज देना बहुत ज़रूरी है उनके लिए हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर अगर आप बहसीत काउंसलर के भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को कराएंगे जिससे उनके उनका एतमाद बढ़ता है और वो अपने टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करते हैं कभी भी स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंट लेवल है उस पर आकर काम नहीं करना चाहिए अगर हम वाई की जोन ऑफ प्रोगल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा वन स्टेप फॉरवर्ड की बात करता है वन स्टेप फॉरवर्ड का मतलब यह है कि स्टूडेंट का जो प्रेजेंट लेवल है उससे एक स्टेप बियॉन्ड और उसके बाद स्टूडेंट जो है वो एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस से गुजरता है जिसमें वो उस उस ख़ास टारगेट को मीट करने की कोशिश करता है तो जब स्टूडेंट्स के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी स्टूडेंट्स को पता होगा कि उन्होंने एक ख़ास टारगेट को मीट करना है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी काविशों में जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे वो अपनी काविशों को तेज़ करेंगे और वहाँ पर आपका रोल बहुत अहम है वहाँ पर टीचर का रोल बहुत अहम है टीचर को ये चाहिए कि वो एज अ स्केफोल्ड एक्ट करे और थ्रू दी स्केफोल्डिंग मैकेनिज्म ही और शी शुड हेल्प द स्टूडेंट टू रीच द रिक्वायर्ड लेवल दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ टीचर एंड अ काउंसलर तो आपकी जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और वहाँ पर मोटिवेशन जो है दैट प्लेज अ बिग रोल मोटिवेशन इज़ सम विच नीड्स टू बी डन इन द क्लास रूम एंड इट नीड्स टू बी अप्लाइड इन द क्लास रूम क्योंकि मोटिवेशन जो है उससे स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है इट इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट और उसके साथ साथ इट गिव्स द मैन ईगरनेस टू इम्प्रूव उनमें बेहतरी की तरफ जाने की ख्वाहिश पैदा होती है और ये एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है इट इज़ इट इट गिवस अ वेरी स्ट्रेंथनिंग फीलिंग टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स वॉन्ट टू डू बेटर एंड बेटर अगर हम स्टूडेंट्स से ये कहते हैं कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते आप ना लायक हैं ये आपके बस की बात नहीं है तो वहाँ पर आप उसको न सिर्फ डी मोटिवेट कर रहे हैं आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी कम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश दिली से उस वक्त काम करते हैं जब उनके अतमाद में इजाफा किया जाए अगर आप ख़ुद एक इंथ्यूजियाटिक एंड मोटिवेटेड टीचर हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स में भी ट्रांसफ़र करते हैं आपकी ये कोशिश होती है कि आपके अपने जज्बे से और आपकी अपनी मोटिवेशन से स्टूडेंट्स में भी वो मोटिवेशन आए तो ये ज़रूरी है ये अमल ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो तदरीस को एक इंजॉयबल एक्टिविटी समझें और इसके साथ साथ उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें भी बेहतरी आए

Their expectations, they, they keep working on their academic areas, they keep working on their behavioral areas, and they reach their targets in a safe and secure manner. But if those supportive mechanisms are not in place, then students will also be reluctant to reach the areas that you have set for them. So be supportive to the students set high expectations for them and then provide the required support so that teacher, students can meet their targets teachers share specific qualities when they want to become counselors and one of those specific qualities is being a trustworthy teacher being a reliable teacher now these are chief qualities teachers must be reliable teachers must be trustworthy about teachers as counselors ki baat karte hai, तो हम ये क्यों कहते हैं कि टीचर्स को ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल होना चाहिए क्योंकि जब टीचर्स काउंसलर बनकर भी सामने आते हैं तो स्टूडेंट्स उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं हो सकता है कि वो अपने वालदेन से बातें शेयर ना करें मगर अपने मसाइल जो हैं वो टीचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो टीचर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंशियल तरीके के साथ स्टूडेंट्स की बात सुने और वो एक प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करें स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी फिगर्स हैं और उनकी बात जो है वो आगे नहीं जाएगी लेकिन अगर टीचर्स जो हैं वो दूसरे बच्चों से बात शेयर कर लेते हैं या अपने साथी इस से बात शेयर कर लेते हैं तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स टीचर्स में बिलीव नहीं करते क्योंकि अगर बात स्टूडेंट्स के कान तक पहुँच जाती है कि बात स्टाफ रूम में हुई है शेयरिंग हुई है और बहस हुई है उसके ऊपर तो फिर स्टूडेंट्स फील डिफीटेड सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज टीचर बींग अ ट्रस्ट वर्दी फिगर बात स्टूडेंट्स के जो टेस्ट स्कोर्स हैं अगर वो अच्छे नहीं हैं और टीचर्स उनको सबके सामने शेयर करते हैं इट लोअर्स डाउन द सेल्फ इस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दे डू नॉट फील केपेबल इनफ टू स्कोर वेल एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दी दैट इनकेपेबिलिटी इज़ शेयरड एट लार्ज एट अ लार्जर लेवल इन द्लास रूम ये एक गलत बात है जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं आप उनको बाज अव ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कर सकते हैं जब आप उनके नंबर को शेयर कर रहे हैं जब आप उनके टेस्ट स्कोरस को शेयर कर रहे हैं इसके साथ साथ वो तालबिल जिनके नंबर कम आए हैं जो कि ऑलरेडी शर्मिंदगी का शिकार हैं उनको आप मजीद स्ट्रेस में डाल देते हैं जब आप उनके टेस्ट कोर्स को शेयर करते हैं तो बेहतर तरीका यह है कि उनके टेस्ट स्कोर्स को शेयर ना किया जाए स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली बुलाकर उनके टेस्ट स्कोर्स बताए जाएं और उसके बाद उन एक एक को बुलाकर बात की जाए और ये साबित किया जाए कि टेस्ट स्कोर्स इसलिए आए हैं क्योंकि इस जगह के ऊपर मसला है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को डिस्कस किया जाए उसको सब्जेक्ट ऑफ जनरल डिस्कशन ना बनाया जाए उसको सब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिस्कशन बनाया जाए तो स्टूडेंट्स में एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग तब आती है जब वो ये समझते हैं कि टीचर्स जो हैं वो उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हैं मिसाल के तौर पर एक तलब इल्म है जिसको कोई डोमेस्टिक इशू है और वो डोमेस्टिक इशू जो है वो टीचर के साथ शेयर करता है टीचर जो है उसको ये चाहिए और उस पर यह लाजिम है कि वो बात जो है वो अपने तक महदूद रखे या अगर बात की नोयीयत ऐसी है जिसमें कुछ डिस्कशन जो है एक्सपर्ट्स के साथ रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर भी जो कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट है उसको बरकरार रखना चाहिए सब्जेक्ट ऑफ कॉमन डिस्कशन जब हम चीज़ों को बनाते हैं और तक बात पहुँच जाती है तो वहाँ पर फिर तालबिल्म जो है वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है उसको शर्मिंदगी होती है कि उसके मसाइल जो हैं वो पब्लिक फोरम पर डिस्कस हो रहे हैं टीचर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव नेचर के भी होते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो मामलात हैं उनके जो मसाइल हैं उनको लार्जर लेवल पर डिस्कस किया जाए बाजुकात वो ये भी नहीं चाहते कि उनके जो मसाइल हैं उनको पब्लिक किया जाए तो वहाँ पर टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक रिलईबल पर्सन बनकर सामने आए मस्ट

हल सही तलाश करेंगे और स्टूडेंट को उस मंजिल तक पहुंचने में मदद देंगे जिसका तयन आपने और उसने मिलकर किया है वट आर सम अदर इसेंशियल क्वालिटीज दैट वी कैन टॉक अबाउट वेन वी कम टू थिंक ऑफ टीचर बींग अ काउंसलर वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट इज टीचर हैविंग इंटरपर्सनल स्किल्स अ टीचर नीड्स टू हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड नीड टू बी टॉकिंग आउट इशूज विद स्टूडेंट्स

और नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं दोनों में महारत रखना जो है वो टीचर और काउंसलर की जिम्मेदारी है वर्बल इंटरेक्शंस जो हैं वो हमारी बातचीत है जो हम करते हैं और नॉन वर्बल इंटरेक्शंस जो हैं उसकी बहुत सी ऐसी जो हैं वो बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है मिसाल के तौर पर जब आप स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट के साथ आई कॉन्टेक्ट का होना ज़रूरी है ये एक नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है इसके साथ साथ आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है यू नीड टू हैव अ स्माइलिंग फेस वेन यू आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट योर फेस शुड रिफ्लेक्ट द काइंड ऑफ कंसर्न दैट यू शो फॉर योर स्टूडेंट सो दीज आर नॉन वर्बल क्यूज दैट यू गिव टू द स्टूडेंट्स विच डिटर्मिन दैट यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है

अगर आप क्लासरूम में किसी एक जगह पर अपने आप को महदूद करते हैं इट जनरली शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स बट इफ यू मूव अराउंड इन द क्लासरूम एंड यू टच बेस विद द स्टूडेंट्स दैट शोज दैट यू आर जेनली इंटरेस्टेड इन द स्टूडेंट्स सो ये भी एक किस्म के इंटरपर्सनल रिलेशन हैं विच यू मैंटेन विद द स्टूडेंट्स सो वर्बल इंटरेक्शन तो है ही है उसके साथ साथ जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं जो नॉन वर्बल इंटरेक्शन हैं वो भी डिटर्मिन करते हैं कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कैसे हैं आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो एक तजर्बाकार उस्ताद है वो आई कांटेक्ट के ज़रिए यह महसूस कर लेता है कि स्टूडेंट को क्या मसला है स्टूडेंट जो है वो किस मसले का शिकार है और मसले की नोइत जो है फिर उसको जानने में बात होती है तो टीचर जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट ही और शी इज़ प्रोफेशनली ट्रेंड टू इंगेज इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ क्योंकि महदूद वक्त में आपने पढ़ाना भी है और आपने स्टूडेंट्स के मसाइल जो हैं उनका भी हल तलाश करना है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शंस आर गिवन अप्रोप्रिएट अटेंशन इसमें एक ज़रूरी अमल ये है कि आप आउट ऑफ क्लासरूम भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें इसका मतलब यह है कि आप क्लासरूम का जो रिजर्व टाइम है उसमें तदरीसी अमल पर बात करें और तदरीसी अमल के दौरान अगर आपको ये महसूस हो दैट देर आर ईशूज दैट आर इरप्टिंग इन द क्लास रूम एंड देर मे बी सेवरल स्टूडेंट्स और अ फ्यू स्टूडेंट्स हु मे हैव समर इशूज़ दोज इशूज नीड टू बी डेल्ट विद एंड टाइम्स दोज इशूज़ आर डेल्ट आउटसाइड द क्लास रूम इंटरपर्सनल रिलेशन्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और इसके साथ साथ एक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट सीकिंग क्लैरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्वेश्चन करके उनको प्रॉपरली उनकी बात सुनकर और उनसे क्लैरिफिकेशन लेकर हम बात जो हैं वो ख़ास नतज पर पहुँच सकते हैं सो इट इज़ एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू गिव प्रॉपर रिगार्ड टू द स्टूडेंट्स टू लिसन टू दैम Ask them questions, seek clarifications, all of these are part and parcel of interpersonal skills. If you want to develop yourself as a counselor, then you need to develop your interpersonal skills as well. You need to be socially very active and concentrate on the verbal and nonverbal aspects of communication. Talking about the essential qualities, one essential quality that we need to give proper attention to is teacher. being a leader in the classroom. Teacher is definitely a leader in the classroom. Teachers जो हैं हम जब उनकी skills की बात करते हैं तो एक जो बड़ी important skill है वो उनकी leadership है जिसका मतलब ये है कि teachers जो हैं वो सही वक्त पर decisions ले सकें वाइज डिसीजन मेकिंग कर सकें और डिसीजन मेकिंग के लिए उनको किसी का सहारा लेने की जरूरत ना हो लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो टीचर के अंदर होना चाहे वो काउंसलर हैं या नहीं हैं बाहर हाल बहुत ज़रूरी है टीचर्स जो है वो अपनी क्लास को फुली कमांड कर रहा होता है एंड व्हेन यू आर इन अ कमांडिंग पोजिशन देन यू नीड टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस यू नीड टू हैंडल इश्यूज यू नीड टू हैंडल दैट अराइज बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस सो एज टीचर्स आर यू प्रिपेयर्ड एंड करेज टू मेक दोज डिसीजनस सो अ टीचर नीड्स टू बी फुली ट्रेंड एंड प्रोफेशनली डिवेलप टू बी अडर इन द्लास रूम और स्टूडेंट्स के लिए भी ये जानना ज़रूरी है और ये महसूस करना जरूरी है कि उनके इस जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो फैसले कर सकें जब आप क्लासरूम में मिसाल के तौर पर कवानी लागू करते हैं और उन कवान को लागू करना जो है वो टीचर की जिम्मेदारी होती है तो फिर जब तलब इल कानून तोड़ते हैं जो रूल्स एंड रेगूलेशन को फॉलो नहीं करते वहाँ पर टीचर की डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो ब रुए लाना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि स्टूडेंट ने अगर कोई रूल ब्रेक किया तो वहाँ पर ये टीचर ने देखना है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और वहाँ पर किस किस्म की पनिशमेंट रिक्वायर्ड है पनिशमेंट से मुराद ये है कि उस कॉन्सिक्वेंस को कैसे फेस करना है तो वहाँ पर टीचर की जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं They are the ones that come into action. Teachers are as an implementer. Teachers are conscious human beings who are fully capable of making wise decisions in the classroom. Because they are the masters of their classroom proceedings. They know their students well, they know the environment of their classroom well, and they are in the best position to make those decisions. तो जब हम टीचर की लीडरशिप की बात करते हैं तो वहाँ हम टीचर एम्पावरमेंट की बात करते हैं टीचर एम्पावरमेंट से ये मुराद है कि टीचर्स जो हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में ऑटोनमस मैनर में अपने फैसले कर सकते हैं इसके साथ साथ हम इंक्रेजमेंट की बात करते हैं टीचर्स आर फुली इनक्रेज एंड दे शुड बी इनकेज टू मेक डिसीजनज इन द रूम इसके साथ साथ वैल्यूज़ और विजन की बात करते हैं teachers must come forward with a certain value system and then they transfer that value system in their students so depending on the cultural norms and the cultural values teachers come and they demonstrate those value systems that is part of being a leader in the classroom iske teachers are visionaries they have their philosophies of education they have their own visionary system एज अ टीचर आई मे हैव अ सर्टन स्किल पोटेंशल एंड अजन ऑफ हाउ टू टीच इन द क्लास रूम एंड दैट शुड बी रेस्पेक्टेड तो टीचर्स एज विजनरी लीडर्स एंड टीचर्स एज जस्ट इम्प्लीमेंटर्स ये दो मुख्तफ बातें हैं हम जब टीचर्स की बहसीत काउंसलर्स बात करते हैं तो वहां पर यह डिटर्मिन करना जरूरी है कि टीचर का किरदार क्या है टीचर जो है उसको बहसीत एक लीडर के सामने आना है क्योंकि टीचर को बाहर हाल अपने क्लास के मसाइल जो हैं उनका हल ख़ुद तलाश करना है और ये तभी मुमकिन है वन टीचर्स आर प्रोफेशनली ट्रेंड दे मस्ट बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू 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 मैनेज दीज इन द क्लास रूम दे मस्ट इन्वेस्ट इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स जो हैं वो लीडर्स तभी बनकर सामने आ सकते हैं जब वो प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं इसमें तीन चार चीज़ें बहुत अहम हैं सबसे पहली बात यह है कि टीचर्स शुड हैव कॉन्टेंट नॉलेज बिकॉज कॉन्टेंट नॉलेज गिव्स टीचर्स कॉन्फिडेंस इसके साथ साथ टीचर्स मस्ट हैव पेडागोजिकल नॉलेज बिकॉज पेडागोजिकल नॉलेज टीचर्स दैम हाउ टू एक्सपेरिमेंट विद वेरियस मैथड्स इन द क्लासरूम इसके साथ साथ टीचर्स शुड हैव प्रॉपर क्लास रूम मैनेजमेंट नॉलेज दे शुड बी गुड मैनेजर्स इन द क्लास रूम और उसके साथ साथ टीचर्स मस्ट हैव गुड सोशल इमोशनल नॉलेज बिकॉज सोशल इमोशनल नॉलेज जो है दैट टेल्स दैम हाउ टू हैव अ सपोर्टिव मैकेनिज्म इन द क्लास रूम एंड हाउ टू रिएक्ट टू द डिफरेंट सेंसिटिविटीज दैट आर प्रेजेंट इन द क्लास रूम और इसके साथ साथ टीचर्स का इन चार कैटेगरीज में अपने आप को प्रोफेशनली डिवेलप करना जरूरी है अगर वो अपने आप को इसमें डेवलप करेंगे तो फिर दे कैन इमर्ज एज वेरी स्ट्रांग लीडर्स इन द क्लासरूम टीचर्स एज काउंसलर्स हम जब टीचर्स एज काउंसलर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का अप्रेजल करना और उनको उनके बारे में आगाही पहुँचाना भी टीचर की जिम्मेदारी है जब टीचर एक काउंसलर के रूप में आता है तो वहाँ पर उसकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं हमने देखा कि टीचर जो है वो एक लीडर होता है वो एक लीडर बनकर क्लासरूम में आता है और उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करता है या करती है इसके अलावा टीचर के बहुत अहम किरदार हैं जो कि वो क्लासरूम में निभाते हैं जिसमें एक जो उसका एक रोल है वो स्टूडेंट्स का अप्रेज़ल करवाना है हम जब अप्रेज़ल का नाम लेते हैं तो अप्रेजल से क्या मुराद है अप्रेज़ल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अप्रेज़ल सर्विस दी जाए जिसमें उनको उनके बारे में सही अंडरस्टैंडिंग जो है उसके बारे में पता चलाया जाए जब अंडरस्टैंडिंग की बात होती है तो इससे मुराद ये है कि क्या स्टूडेंट्स अपने आप को सही जानते हैं क्या वो अपनी सलाहियत को पहचानते हैं उनके पॉजिटिवस एंड नगेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनके बारे में उनको कितनी आगाही है ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी हैं बाज़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं होती या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं एंड दे थिंक दैट दे नो एवरी या इसके बरक्स वो इस चीज़ का शिकार होते हैं कि उनकी लो सेल्फ़ एफिकेसी और सेल्फ़ इस्टीम होती है मिसाल के तौर पर उनमें बाज़ ऐसी सलाहियतें होती हैं जिनको वो सही जांच नहीं सकते क्योंकि वो लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार होते हैं इस सब में जो सेल्फ अप्रेज़ल है अगर स्टूडेंट्स को वो दे दिया जाए और उसकी तर तरबियत दी जाए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपना अप्रेजल ख़ुद कर सकता है और अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचान सकता है तो इस इस अमल में टीचर का जो किरदार है वो बेहद अहम है टीचर किस तरह स्टूडेंट को उस मकाम पर पहुँचाता है जहाँ पर वो अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पर पहुँच सके इसके लिए बहुत सी जो हैं वो स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है सबसे पहले कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें जो अप्रेजल सिस्टम है उसका डेवलप करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बाज़ इम है जिनको अपने बारे में बिल्कुल सही आगाही होती है क्योंकि उनके जो डोमेस्टिक फ्रंट्स हैं दे आर स्ट्रांग टू टेल दैम वेयर दे स्टैंड हाउ एवर देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो दैम सेल्व्स

उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उसको किस तरफ लेकर जा रही हैं और उसकी जो वीकनेसेस हैं वो उसको किस नेगेटिव बिहेवियर की तरफ लेके जा रही हैं जब हम अप्रेजल की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिखाना बहुत ज़रूरी है मिसाल के तौर पर स्टूडेंट को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देना स्टूडेंट को कन्फॉर्मिटी के बारे में सिखाना स्टूडेंट को यह सिखाना कि ही और शी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सिस्टम अ पर्टिकुलर कल्चर एंड अ पर्टिकुलर सोसाइटी इसके अलावा दी सेंस ऑफ ओबीडियंस स्टूडेंट जो है उसने किन हालात में किस तरह उबे करना है हाउ टू उबे सर्टन कमांड्स इसके अलावा ऐसे कौन से यूनिक कस्टम्स हैं ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका सही तौर पर इस्तेमाल जो है वो करना है तो बात यह है कि ये सारी जो रिलेशनशिप्स हैं इनके बारे में आगाही देना जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है इसीलिए जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को अपने बारे में सही आगाही देने का मतलब यह है कि वी आर प्रिपेयरिंग दी स्टूडेंट्स फॉर द सोसाइटी वी आर प्रिपेयरिंग दी स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन एडजस्ट देमसेल्व बेटर इन सोसाइटी और इसके लिए जो काउंसलिंग है वो एक असिस्टेंस के तौर के ऊपर सामने आती है द टीचर्स नीड टू बी एप्सोल्यूटली क्लियर on what principles to adopt while they counsel students and students also need to be very clear as to what kind of behaviors are expected in the school and then later on in the society iske liye jo appraisal system hai that is very very important और इसका इनका अगर स्कूल में नहीं हुआ हुआ तो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए ही हम ऐसे बहुत से बिहेवियर्स जो कि maladaptive अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको हम सही राह पर ला सकते हैं वी कैन जज स्टूडेंट्स लाइक वाइज एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो इनक्रेज दैम टू अडोप्टूटेबल बिहेवियर्स दोज बिहेवियर्यर्स दैट आर एक्सेप्टेबल इन स्कूल एंड दोज बिहेवियर्स दैट आर एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी एट लार्ज क्योंकि हम लोग बाहर हाल एक कल्चरल सिस्टम में रहते हैं और कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करना और जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मैंटेन करना बहुत ज़रूरी है इसी लिए ए प्रेजल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल्स लेटस कॉन्टिन्यू आर डिस्कशन ऑन अप्रेजल सर्विस एंड लेट्स सी वाई अप्रेजल सर्विस इज इम्पॉर्टेंट इन स्कूल एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू डिवेलप दी स्किल्स इन स्टूडेंट्स जब अप्रेजल सर्विस की बात होती है तो वहां पर दो तीन चीजें सामने रखना बहुत अहम है हम जब अप्रेजल सर्विस की बात करते हैं तो वहां पर टीचर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि वो कम्प्लीट डेटा इकट्ठा करें स्टूडेंट्स के बारे में जब डेटा की बात होती है तो वहां पर इसका मतलब यह है कि टीचर्स जो हैं दे शुड कलेक्ट एनालाइज एंड यूज़ द डेटा टू अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट हम जब डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो इससे यह मुराद है कि स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज और इसके साथ साथ जो उनके सब्जेक्टिव इश्यूज हैं इन सब को कार लाने के लिए इनको सामने रखना ज़रूरी है हम जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं जब उनमें उनके अमल की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट की बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है एक ख़ास बिहेवियर जिसकी मैनिफेस्टेशन हो रही है उसकी बैकग्राउंड क्या है उसकी बैकग्राउंड का जब पता चलेगा तो ही स्टूडेंट का सही तौर पर उसके जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर काम हो सकेगा उसके लिए टीचर के लिए ये अहम है और ये ज़रूरी है कि वो स्कूल से तमाम वो मालूम हासिल करें जो मदद देंगी स्टूडेंट को बेहतर तौर पे समझने में इसलिए टीचर्स शुड बी स्किल्ड इनफ टू एनालाइज डेटा बाय डेटा वी बेसिकली मीन कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट व्हेन वी से इंफॉर्मेशन दैट बेसिकली मीन्स बिहेवियरल इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑल्सो मीन्स ऑल द अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड इसमें यह बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा जो है इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि स्टूडेंट का जो सही पोटेंशियल है उसको सामने लाया जाए हम जब अप्रेवल अप्रेज़ल सर्विस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ जिसको देखना बहुत अहम है वो ये कि अप्रेजल सर्विस जो है वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और जो पर्सनल एबिलिटी है स्टूडेंट्स की उसको सामने लाने में मदद देती है हम जब पर्सनल एबिलिटी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अपनी शनाख्त ख़ुद कर नहीं सकते अपनी एबिलिटीज़ की शनाख्त खुद नहीं कर सकते उनको मदद दरकार होती है और यह मदद टीचर के अलावा कम लोग दे सकते हैं स्कूल कंडीशंस में बिकॉज टीचर्स नो देयर स्टूडेंट्स वेरी वेल हम जब पर्सनल एबिलिटी की बात करते हैं तो पर्सनल एबिलिटी से मुराद ये है और वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एबिलिटी हैं जिसमें पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं स्टूडेंट जो है उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है वेयर इज ही और शी स्ट्रग एट वो ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं ऐसी कौन से अमल हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं इसके अलावा उनकी पीपल टू पीपल स्किल्स कैसी हैं हम जब पीपल टू पीपल स्किल्स की बात करते हैं तो दीज आर द सोशल इंटरेक्शन दैट स्टूडेंट्स कैरी वाइल दे आर इन स्कूल इसके अलावा आर स्टूडेंट्स एबल टू थिंक क्रिटिकली सो वॉट इज द लेवल ऑफ देयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ये भी एक पर्सनल एबिलिटी है इसके अलावा वट आर द अदर लाइफ स्किल्स डेट स्टूडेंट्स कैरी विद दैम सेल्व ऐसी वो कौन सी स्किल्स हैं ऐसे कौन सी बिहेवियर पैटर्नस हैं जो के स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और जिनका इस्तेमाल करके स्टूडेंट खास बिहेवियर मैकेनिज़म्स में आते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है एंड हाउ मच आर दे इंटरेस्टेड इन देयर एजुकेशन वेदर इट इज़ एट स्कूल वेदर इट इज़ सब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन और इट इज़ अदरवाइज जिसमें जनरल नॉलेज भी आ जाती है जिसमें सीखने की एक तमन्ना होती है स्टूडेंट में तो क्या स्टूडेंट्स जो हैं आर दे रियली इंटरेस्टेड इन देयर एजुकेशन दिस ऑल्सो हैज टू डू विद द पर्सनल एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट और इसके अलावा बिजनेस नो हाउ इन देयर डेली इंटरेक्शंस हाउ डू दे डेली इंटरेक्ट विद अदर पीपल और इसमें उनका बिजनेस नो हाउ कैसा है वट इज देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स किस तरह वो लोगों को समझते हैं और अपने इंटरेक्शंस जो हैं उनको कैसे जारी रखते हैं तो ये तमाम जो अमल हैं वो पर्सनल एबिलिटी में आते हैं तो अगर स्टूडेंट का अप्रेजल होगा तो वहाँ पर जो पर्सनल एबिलिटी है उसको आगे रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अलावा अपने आप को अंडरस्टैंड करना और उसके साथ साथ अनलॉकिंग योर पोटेंशल दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ स्टूडेंट मस्ट अनलॉक हिज और हर पोटेंशियल एंड एज सेट अर्यर दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स डो नॉट अंडरस्टैंड देयर पोटेंशियल दे डो नाट रियलाइज दैट दे हैव सर्टन पोटेंशियल दैट नीड टू बी मार्क्ड एंड देन दैट नीड टू बी वर्कड ऑन इसके अलावा जो प्रेजेंट सर्विस है इट हेल्प स्टूडेंट्स टू डिवेलप देअर इंटरेस्ट इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं दे स्टे मोटिवेटेड और मोटिवेशन जो है ये बहुत अहम एक अमल है जो कि स्कूल कंडीशन में होना चाहिए जब तक स्टूडेंट्स इंटरेस्ट और मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे वो अपने स्कूल सिनेरियो में जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे और एक मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो इन ऑर्डर टू स्टे इंटरेस्टेड इन द क्लास रूम प्रोसीजिंग्स इन स्कूल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिवेलप दिज मैकानिजम्स एंड दैट इज़ वाई अप्रेजल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट टीचर्स एज काउंसलर्स की जब बात होती है तो अप्रेजल सर्विस के अलावा एक और इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसका टीचर को स्टूडेंट को देना जरूरी है जिसका नाम इन्फॉर्मेशन सर्विस है इंफॉर्मेशन सर्विस से क्या मुराद है इंफॉर्मेशन सर्विस से मुराद है कि स्टूडेंट्स की करियर डेवलपमेंट में उनकी मदद की जाए अगर जो टीचर है वो प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड होगा तो ही स्टूडेंट को सही तौर पर गाइडेंस दी जा सकती है कि वो अपनी करियर चॉइसेस कैसे कर सकते हैं हम जब इन्फॉर्मेशन सर्विस की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन सर्विस जो है वो दो तीन तरीक़ों की होती है उसमें एजुकेशनल सर्विस आ जाती है इसके साथ साथ वोकेशनल सर्विस आ जाती है और इसके अलावा पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि माशरे में जो स्टूडेंट है उसको उसकी तरबियत में जो है वो सही तौर पर सामने आती हैं और सही तौर पर इस्तेमाल करने की उनमें सलाहियत पैदा की जाती है हम जब एजुकेशनल नॉलेज की बात करते हैं तो जब आप सही इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को देते हैं तो इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर एजुकेशनल जर्नी अ गुड टीचर A professionally sound teacher can help students to continue with their educational journey in a seamless manner. Basically means कि अगर teacher अच्छा है अगर teacher काबिल है और वो सही methods के साथ क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है तो स्टूडेंट्स जो हैं उनमें पढ़ने की सलाहियत जो है और पढ़ने का जो तजस्स है वो ज़्यादा होता है ही और शी वॉन्ट्स टू लर्न मोर बिकॉज द टीचर इज़ गुड सो इन दैट रिगार्ड अ टीचर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन स्कूल सो वेन वी टॉक ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन सर्विस बेसिकली वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन देयर एजुकेशन इसके अलावा वी ऑल्सो इंकरेज स्टूडेंट्स टू हेल्प दैम चूज देयर करियरस जिसको हम वोकेशनल एबिलिटी कहते हैं हम जब वोकेशनल वोकेशनल एबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें चॉइस ऑफ करियर्यर्स है वॉट डू स्टूडेंट्स वॉन्ट टू बिकम वन द्रो और ये अमल जो है ये बहुत बाद में शुरू नहीं होता ये शुरू में ही जब प्राइमरी इयर्स हैं वहाँ पर ही आप मुख्तफ टेक्निक्स के तहत स्टूडेंट्स को मुख्तु प्रोफेशंस के बारे में आगाही दे सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो उन एरियाज में जा सकते हैं चॉइस कर सकते हैं ताकि आगे जाकर जैसे जैसे ग्रेड्स बड़े होते जाएं वो सही तौर पर उनको क्लियर हो जाए कि उन्होंने किस करियर पाथ पे जाना है तो वहाँ भी जो टीचर का किरदार है वो बेहद अहम है इसके अलावा जो पर्सनल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज हैं दोज आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट हाउ डज अ टीचर प्रिपेयर अ स्टूडेंट टू बिकम पर्सनल एंड सोशली वायबल इन सोसाइटी, व्हिच बेसिकली मीन्स हाउ डू टीचर्स ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम सोशल सोशली हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। हाउ डू दे टीच दैम हाउ डू दे ट्रेन दैम टू इंटरेक्ट इन स्कूल बिकॉज दैट अल्टीमेटली हेल्प्स दैम टू इंटर इन सोसाइटी तो माशरती तौर पर स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करना जो है वो ज़रूरी है और उसके लिए स्कूल इज़ द बेस्ट मीडियम जहाँ पर टीचर इज़ द मेन फोर्स दैट एक्चुअली ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम सोशली वाइबल ह्यूमन बींग्स सो ये तीन एजुकेशनल वोकेशनल पर्सनल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं जब इंफॉर्मेशन सर्विस की बात आती है तो जब इन्फॉर्मेशन सर्विस में हम करियर अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं उनको चॉइस ऑफ करियर्स के बारे में बता रहे हैं तो बेसिकली हम उनको गाइड कर रहे हैं टू सेलेक्ट देयर प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रो अप इसके लिए स्टूडेंट्स का क्लियर हेडेड होना बहुत ज़रूरी है वाट इज इट दैट दे दॉन्ट टू डू वट इज़ इट दैट दे दॉन्ट टू बिकम वैन दे ग्रो वहाँ पर टीचर की रहनुमाई जो है वो बहुत कार साबित होती है अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में ये अमल जो है ये बहुत वीक है बल्कि बाद स्कूल्स में नहीं है हम समझते हैं कि स्कूल आने का मतलब ये है कि जो आपकी तदरीसी किताब है उसको पढ़ कर इम्तहान देकर ग्रेड लेना है मगर स्कूल का जो रोल है वो इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है हम जब स्कूल के रोल की बात करते हैं तो वहाँ प्रॉपर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना जो है ये बहुत ज़रूरी है जब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की बात होती है तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल है ऐसी एक्टिविटीज़ का डिज़ाइन है जिसके ज़रिए प्रॉपर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है जिससे प्रॉपर चॉइसेस कर ली जाएं और इसमें टीचर का किरदार अगेन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंफॉमेशन के अलावा वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ के एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है इट मे इंक्लूड सेवरल थिंग्स इट मे इंक्लूड डिस्कशन विद स्टूडेंट्स इवन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ व्हाट दे वांट टू बिकम अगेन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉटेंट एंड एक्चुअली दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू सी हाउ अ स्कूल ऑपरेट्स स्कूल का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किताब पढ़ाना या किताब बीनी जो है वो नहीं है इसमें ऐसे और बहुत से अवामिल हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूरी है मिसाल के तौर पर सेमिनार्ज वगैरह करवाना जब हम सेमिनार्स की कॉन्फ्रेंसेस स्कूल के अंदर करवाते हैं सो बेसिकली वी आर गिविंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू लुक एट अदर एरियाज़ एरियाज वेयर दे वुड वांट टू गो इन फ्यूचर इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं दे हेल्प स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड डिवेलपू होल सम ह्यूमन बींगस तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये स्कूल में देना और उस्ताद के जरिए देना जो है ये बहुत ज़रूरी है Because this way, we develop students in different directions and we work towards developing a wholesome individual so that he or she can become a productive member of society